हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे आपको एम दिया गया है कि टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड द टाइम बाय द प्लॉटिंग अ कूलिंग ग्राफ, कूलिंग कर्व। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस क्या होगा कि हम लोग एक कूलिंग कर्व बनाएंगे और वो कूलिंग कर्व किसकी मदद से होगा, न्यूटन्स लॉ की मदद से हम लोग यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एपेरेटस दिया गया है कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगेगी। जैसे यहाँ पे आपको कैलोरीमीटर दिया गया है, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर इनक्लोजर है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर दिया गया है, स्टॉप कॉक दिया गया है, हॉट वाटर बाथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगने वाली है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। और साथ में यहाँ पे आपको पूरा एक डायग्राम भी बना के दिया गया है। ओके, नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो थ्योरी भी दी गई है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है और ये आपको प्रोसीजर पढ़ के ही आपको जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आप देखोगे तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच कितना है, 1 सेकेंड। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना है, वो अपने हिसाब से ये तीनों चीज़ों को आपको मैनेज करना है। ओके, आप लीस्ट काउंट 2 सेकेंड के हिसाब से भी कर सकते हो या फिर 5 सेकेंड के हिसाब से भी कर सकते हो, और लीस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर भी आप 1 डिग्री रखो या 5 डिग्री रखो, और रूम टेम्परेचर अगर उस टाइम का जो रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री है या 33 डिग्री है, 28 है, उसके हिसाब से इसको आप अरेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको उसी के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है, जिसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो 20 रीडिंग ली गई है। ओके, तो यहाँ पे 20 रीडिंग में आपको टाइम इन द मिनट दिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो 0.5 के हिसाब से आपको टाइम लिया गया है। ओके, और टेम्परेचर यहाँ पे नोट किया गया है, टेम्परेचर ऑफ वाटर परसेंटेज, ओके, डिग्री सेल्सियस। तो किस तरह से आप 0 डिग्री 0 टाइम पे देखोगे तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, लेकिन अगर आप उसको 9.5 मिनट्स बाद देखते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर्व। यानी जिस तरह से टाइम जाता है उसी तरह से जो हॉट वाटर है उसका जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होते जाता है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे आपको जो ग्राफ है वो भी हमने यहाँ पे बताया था कि जो ग्राफ है आपको इस तरह से यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है। यानी ये सबसे मैक्सिमम यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और यहाँ पे होगा सबसे मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। यानी जैसे जैसे टाइम चले जाएगा वैसे वैसे ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे D0/dt के उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको एक ग्राफ पूछा है, जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। और ये एक कूलिंग कर्व है और दूसरा है D θ/dt के ऊपर कर्व दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो तो नीचे यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है फ्रॉम द कूलिंग कर्व के हिसाब से, और ये कूलिंग कर्व किसके ऊपर है, 30 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पे किया गया है, जिसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 5 ऑब्जर्वेशन करने हैं, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर यहाँ पे नोट करना है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है, साथ में D θ/dt यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इन मिनट में आपको करना है, उसके बाद θ-θ0। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दी गई है। आपको जो आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर उसके अंदर आपको दूसरा रीडिंग आता है तो आप वो रीडिंग लिख सकते हो या फिर आप इस रीडिंग के साथ जा सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिया गया है। तो रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो रिजल्ट में आपको जो ग्राफ है वो ग्राफ के अंदर आपको कौन सा टेम्परेचर मिल रहा है, रूम टेम्परेचर बाय ग्राफ, ये आपको नोट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो आपको कितना आता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सर्टन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल फ्रॉम द 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 5 मिनट एंड 54 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 मिनट, देन वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका आंसर यहाँ पे आपको 45 ऑलरेडी लिख के दिया गया है,
लेकिन ये 45 आया कैसे, उसको आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 60 माइनस 70 अपॉन 5, उसके बाद 54 माइनस 60 अपॉन 5, और इन दोनों को यहाँ पे करके यहाँ पे टेम्परेचर 45 लाया गया है। ओके, यानी 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है कि यू टेक एन आइसक्रीम आउट ऑफ द फ्रीजर kept at the minus 18 degree Celsius, outside at the 32 degree Celsius. After 1 minute, the ice cream has warmed to the minus 8 degree Celsius. What is the temperature of ice cream after 5 minute? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगर आप कोई भी अगर फ्रीजर से अगर आइसक्रीम निकालते हो तो फ्रीजर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और जो बाहर का रूम टेम्परेचर होता है ऑफकोर्स आपके सराउंडिंग के हिसाब से रूम टेम्परेचर भी चेंज होता है। ठीक है, तो कहीं का भी रूम टेम्परेचर अगर आप कंसीडर करते हो तो 30 प्लस ही होगा। तो उसके हिसाब से अगर आपने माइनस में से अगर आप पॉजिटिव में आते हो, पॉजिटिव 30 में, तो ऑफकोर्स जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, और उसी तरह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका बढ़ने लगेगा। तो पहले माइनस 18 था, तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइनस 8, उसी तरह से फिर 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से क्या आपकी जो आइसक्रीम होगी क्या होगी, धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि आफ्टर 5 मिनट जो आइसक्रीम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो आइसक्रीम का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 15.6 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप किसी भी आइसक्रीम को अगर 5 से 6 मिनट तक अगर आप बाहर रखते हो तो वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हो कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट्स लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना है स्पेसिफिक हीट का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट के ऊपर यहाँ पे पूरा आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो इस तरह से यहाँ पे आकर नीचे आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिया गया है। ठीक है, ये देखो आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि ग्राफ आपका किस तरह से है। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी जो पहले इसमें दिखाया गया था। ठीक है, यानी यहाँ से ये जो आपका वाई एक्सिस है और ये जो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से y से क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है वो नीचे कम होते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइम आएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद अगर आप सेकेंड वाला ग्राफ देखते हो, डी थीटा बाय डी टी। ओके, तो ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको 3-4 पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला ग्राफ देखते हो तो थर्ड वाला ग्राफ भी इसी तरह से है। ये देखिए डी थीटा बाय डी टी। तो इस ग्राफ में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्केल दिया है, साथ में यहाँ पे जो ग्राफ है वो किस तरह से है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं है। ठीक है, ये एक सर्टेन पॉइंट से पास हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से आपका जो तीनों ग्राफ है वो आपको तीनों ग्राफ यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है फिजिक्स का वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी डाउट होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।